वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेंटालेन प्लस क्रीम के बारे में। जेंटालेन प्लस क्रीम की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, दाँत खाज खुजली, एग्जमा जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जेंटालेन प्लस क्रीम एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसमें कॉम्बिनेशन है डिक्लोमेटासोन 0.025%, नियोमाइसिन 0.5%, क्लोट्रिमेजोल 1% होता है। और इस क्रीम को सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए आप जान लेते हैं इस क्रीम के उपयोग के बारे में। इस क्रीम का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, और यह लालिमा, सूजन और खुजली जैसे लक्षणों को कम करता है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एग्जमा, सोरायसिस, स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण और स्किन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं इस क्रीम के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस क्रीम के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे कि इस क्रीम को आपने जिस जगह पर यूज किया है उस जगह का लाल होना, उस जगह पर पपड़ी जमना, उस जगह पर जलन होना, जैसी कुछ नॉर्मल समस्याएं नज़र आ सकती हैं। वैसे ये नॉर्मल समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर ये समस्याएं ठीक ना हो तो इस क्रीम को यूज करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए आप जान लेते हैं इस क्रीम को यूज करने के तरीके के बारे में। इस क्रीम का यूज वैसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। इस क्रीम का यूज आपको जिस जगह पर करना है उस जगह को अच्छी तरह साफ कर लें और सुखा लें, उसके बाद इस क्रीम का यूज करें, आपको काफ़ी फायदा होगा। आइए आप जान लेते हैं इस क्रीम की MRP के बारे में। इस क्रीम की MRP है 10 ग्राम क्रीम आपको 74 रुपये में और 20 ग्राम क्रीम आपको 130 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको जेंटालेन प्लस क्रीम की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।